गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी डिड डेफिनेशंस ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नाउन इन डिटेल्स. ओके बेटा, यस बेटा, आई टोल्ड यू व्हाट इज नाउन. नाउन द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस इज कॉल्ड नाउन. अब नाउन यानी किसी नाम को, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. नाउन के दो प्रकार होते हैं, दो काउंट्स होती हैं, काइंड्स होती हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन्स मीन्स विच कैन बी काउंटेड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. और अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मीन्स जिसको हम क्वांटिटी के इस टर्म में एस्टिमेट कर सकते हैं, इसको हम गिन सकते हैं, इसको हम नहीं गिन सकते. आगे काउंटेबल नाउन में भी दो नाउन ऐसे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. एक तो है कॉमन नाउन और दूसरा है कलेक्टिव नाउन. कॉमन नाउन में जैसे एग्जांपल है ओल्ड मैन, टू मैन, फाइव मैन, ठीक है. और कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है जैसे वन टीम, टू टीम, हम ऐसे काउंट कर सकते हैं ना. अब दूसरा जो है अनकाउंटेबल नाउन, इसमें थ्री टाइप्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स की हैं, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन. अब प्रॉपर नाउन जैसे किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम, कंट्री का नाम, बुक का नाम, रिवर का नाम, माउंटेन का नाम, पर्टिकुलर होना चाहिए ना. तो प्रॉपर नाउन जैसे इंडिया, एशिया, है ना. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जैसे एंगर, हैप्पीनेस, जॉय, है ना. तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, इसको कहते हैं भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते है ना. तीसरा है मटेरियल नाउन. मटेरियल है जैसे राइस, शुगर, है ना, टी, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो ये अनकाउंटेबल के एग्जांपल है, ठीक है बेटा. नाउ फ्रेंड्स, नाउन्स हैव टू नंबर्स, मींस नाउन के टू नंबर्स हैं. फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकेंड इज प्लूरल. सिंगुलर मीन्स इट स्टैंड फॉर वन, स्टैंड फॉर वन. एंड प्लूरल मीन्स इट स्टैंड फॉर मोर देन वन, मीन्स एक से ज्यादा के लिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज प्लेइंग, दिस रूम इज क्लीन. इन दिस सेंटेंस द बॉय एंड दिस रूम दे आर स्टैंड फॉर ओनली वन, है ना. द बॉयज आर प्लेइंग, दीज ग्रेट्स आर राइट. The boys, these grapes, they are stands for more than one. So nouns have two numbers. Okay, beta. Beta, singular noun को plural noun में बदलने के लिए भी कुछ rules हैं जो आपको याद रखने होंगे. ठीक है बेटा. जैसे by adding s at the end of the noun means, अगर कुछ सिंपल वर्ड होते हैं जैसे रूम और ट्री, इनके पीछे सिंपल s लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं. जैसे सिंगुलर नाउन है रूम और ट्री, अगर इसमें हम s लगा देते हैं तो ये रूम्स और ट्रीज बन जाता है. सेकेंड रूल जो है by adding es at the end of noun, o or hissing sound, ch, sh, एस, डबल एस या एक्स, मीन्स कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे ई एस लगता है. तो वो नाउन कौन से वर्ड होते हैं, या तो जिनका एंड जीरो से हो, मीन्स ओ से हो सॉरी, या ऐसे नाउन जिनका लास्ट लेटर ओ हो, या हिसिंग साउंड वाले वर्ड हो, लेटर हो. हिसिंग साउंड वाले लेटर कौन से होते हैं, सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स. तो जैसे हिसिंग साउंड, हिसिंग की साउंड आ रही ना, या तो ये पीछे हो नाउन के लास्ट लेटर या ओ हो, तो वहां पर ई एस लगता है. जैसे फॉक्स, ये मैंने बताया ये हिसिंग साउंड है, हिसिंग साउंड वाला लेटर है ये फॉक्स, तो यहाँ क्या लगेगा, ई एस, फॉक्सिस. मैंगो, या लास्ट में मैंने बताया था ओ हो, तो वहां में क्या लगेगा, ई एस, मैंगोस. अब देखो हिसिंग साउंड वाले बुश, ऐसा अच्छा ना, यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पर प्लस यस लगेगा बुशी. एस, डबल एस, सिंग साउंड, इसमें भी क्या लग जाएगा, यस, तो ये एस
phrases. Our third point is nouns ending in o do not take es but s at the end to make plural forms. अब कुछ noun के word ऐसे होते हैं जो जी जो o से खत्म होते हैं, means जिनका last title तो o से ही होता है लेकिन उनके पीछे es नहीं लगता, तो वो कौन से word है वो हमें याद करने हैं. जैसे फोटो, ये सिंगुलर है इसका प्लूरल बनाएंगे फोटोस. रेडियो, रेडियोस. पियानो, पियानोस. ठीक है, सिर्फ किन को हम चेंज करेंगे जिनके पीछे ओ होगी कुछ वर्ड स्पेशल वर्ड है वो. ठीक है, और जो हिसिंग साउंड बोले हैं उनमें लगेंगे, यस इनमें नहीं लगेंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट है of this lesson. So first question is write the kinds of noun in the space given below. Means beta aapko yahan par sentences diye gaye hain unme jo colorful wale word hain unko dekh kar aapne batana hai ki ye kaun sa noun hai, common noun hai, proper noun hai, collective noun hai, material noun hai ya abstract noun hai. Jo humne panch tarah ke noun kiye hain unke name batane hain. Jaisa first to aapko bataya hua hai common noun hai umbrella jaise. सेकेंड है अ कंप्यूटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. कंप्यूटर तो कंप्यूटर कैसा है, कॉमन नाउन है ये, है ना. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली मैंने आपको बताया था किसी पर्टिकुलर नेम हो, थिंग का नेम हो, कंट्री का, सिटी का, तो उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे. आवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई. तो टीम जो है कलेक्टिव नाउन है ना, ग्रुप, जो ग्रुप को प्रदर्शित करता है. आई हैव ब्रेड फॉर माई ब्रेकफास्ट, मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड है. तो ब्रेड क्या है, मटेरियल है ना, तो मटेरियल नाउन है. एवरीवन लुक्स फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. हैप्पीनेस को हम, मैंने ये बताया था कि हैप्पीनेस क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं ना, तो टच कर सकते हैं है ना, और ना ही देख सकते हैं. तो हैप्पीनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अब आपने सेकेंड क्वेश्चन करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन एज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. मीन्स जो फर्स्ट है आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ के ये बताना है कि ये काउंटेबल नाउन है, इनमें
काउंटेबल नाउन फिल करना है और अनकाउंटेबल नाउन दो फिल करने हैं. जैसा फर्स्ट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, रेन से हमें कौन बचाता है, तो इसका आंसर है होम. ठीक है ना, तो ये क्या है काउंटेबल नाउन. ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर को हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पर क्या ये अनकाउंटेबल नाउन है ये. द डैश डिस्प्लेड इट्स करेज इन द टूर्नामेंट, द डैश डिस्प्लेड किसने दिखाया करेज टूर्नामेंट में, किसने करेज दिखाया, प्लेयर ने, प्लेयर काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम प्लेयर्स को काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डैश इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी लिविंग, हेल्दी लिविंग के लिए क्या जरूरत है, फ्रूट्स है ना, काउंटेबल नाउन है. नेक्स्ट है डैश बिगिंस एट होम, घर से क्या शुरू होती है, एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स अनकाउंटेबल नाउन है ये, एजुकेशन को हम गिन थोड़ा सकते हैं ना. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये एक कहावत है ना बेटा, प्रोवर्ब है ये, तो काउंटेबल नाउन है ये. ठीक है, नेक्स्ट है इनमें आपको अंडरलाइन करना है कि कौन सा काउंटेबल नाउन है कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, जो काउंटेबल नाउन है उसको सी 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 लिख सकते हैं आप, जो अनकाउंटेबल नाउन उसको यू सी, है ना. तो ये आपने अपने आप करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व करके दी हुई आपकी बुक्स में एक्सरसाइज सॉल्व है. अब कुछ सिंगुलर प्लूरल है जो आपको याद करने हैं, जैसे डोंकी, डोंकीज, इसका देखो मैंने बताया था आपको ये वाई है, ये लास्ट लेटर वाई है, लेकिन इससे पहले जो है ये क्या है, वोवल साउंड का वर्ड है ना, तो इसलिए इसमें सिंपल एस लगेगा. काफ एफ वाला है, जो एफ को चेंज करते हैं वी ई एस, काज. फैट फैट्स, रेडियो, ओ लास्ट में ओ है तो एस लगेगा. वुमेन वुमेन, प्लूरल बनानेंगे तो ए की जगह पर यहाँ पे ई आ जाएगा. स्टोरी, वाई से पहले कंसोनेंट साउंड है, यहाँ पे वॉवल साउंड ही है तो इसीलिए यहाँ पे आई ई एस लग जाएगा. पोटैटो पोटैटोज, रूफ रूफ, मैंने बताया था जहाँ एफ और एफ ई हो तो वहाँ पर एस लग जाता है. लीफ लीव्स, गर्ल गर्ल्स, हाउस हाउसेस, लेडी लेडीज, वाई से पहले कंसोनेंट है ना, तो ये थे हमारे कुछ सिंगुलर और प्लूरल वर्ड. The exercise of lesson 2, you have to learn the definitions, rule of singular and plural. Okay, beta? Thank you.